Anyways, देखो आई लव लव डॉग्स ओके आईपीएल 2024 में सारे टीम्स ने होलसेल रेट पे अपने ही बदल दिए लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कैप्टन के साथ अपनी किस्मत बदलेंगे कि नहीं देखो किस्मत तो जिनको बदलना था आरसीबी को उन्होंने तो अपना कैप्टन सेम ही रखा है और वैसे वो काफी अच्छा इस ये सब मामले में जाने जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टीम कंसिस्टेंसी अब टीम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो किसके बारे में बात आती है वी ऑल नो बट या वी विल नॉट गो देयर एज ऑफ नाउ बाद में आएंगे उसके बारे में उसके बारे में बात अच्छा बिना है ना हाँ इसके लिए तो आ, क्या ख्याल है क्या लग रहा है अब तक के मैचेस देखकर आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ गेम्स Sare captains, how, how do you feel about them? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन देम बट द थिंग इज लाइक ये जो कैप्टन देख के ऐसे नहीं लग रहे कि एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया है ये सभी यंग लग रहे हैं एकदम कोई भी ऐसे यू नो एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है फॉर एग्जाम्पल गोट नहीं लग रहा है अभी तक exactly. कोई भी तो थोड़ा कैप्टन देख के ऐसा थोड़ा आ, ये कैप्टन है इसका बट स्टीम में ये है ये सीनियर है ऐसा वैसा वाइब आ रही है बट स्टिल अभी तक वो कहते हैं ना कि स्टार्ट में ही समझ जाता है कि कैप्टन कितना प्रिपेयर है और कैप्टन अपने टीम को थोड़ा ऐसा

क्या क्या लग रहा है हाउ इज राहुल परफॉर्मिंग बिकॉज एक टाइम आई मीन राहुल हैज ऑल्सो कैप्टन इंडिया तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट ओके okay, इंडिया का देखा जाए तो उसका लाइक क्लीन स्लेट तो बिल्कुल नहीं है ओके okay? उसके लाइक like, स्टैट्स इतने अच्छे नहीं हैं कैप्टनसी देखी जाए तो बट आईपीएल के लिए कंसिस्टेंटली वो कैप्टन था पहले पंजाब के थे पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब के थे फिर पंजाब किंग्स के थे अभी लखनऊ सुपर जैंट्स के भी है बट uh, देखा जाए तो यार थोड़ा फ्रॉड किया उन्होंने पहले अनाउंस किया सब लोग ने सब लोग में कि मैं मिडल ऑर्डर में, में खेलूँगा और ओपनिंग में ही देखे हमें तो पता नहीं बैटिंग के हो रहे तो वो है ही बट कैप्टनसी लाइक थोड़ी कैप्टनसी मतलब लाइक ओकेश लगी मुझे इंपैक्ट प्लेयर वगैरह सेंस नहीं बना दीपक हुडा टीम में होते हुए आप बडोनी को खिला रहे हो और दीपक हुडा को हुट प्लेयर ला रहे हो जबकि दीपक हुडा एज अ हुजील्डर एक्रो ऐसे डिसीजन मुझे ठीक नहीं लगे बट एनी विच दो सीजन बैक टू बैक लखनऊ अगर क्वालिफाई हुई है तो राहुल को थोड़ा क्रेडिट तो जाता ही है और अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो राहुल तो डेफिनेटली आय करेगा उसके पोजिशन के लिए तो मैंने मेरी रेटिंग दी है राहुल को टेन मैसेज सेवन पॉइंट फाइव ओके तुम रेटिंग भी दे चुके हॉल फॉर मी या राहुल इसलिए मुझे राहुल की कैप्टनसी पर आई डोंट इतना अच्छा नहीं रहा अब तक बट आई एम नॉट उनको मैं राइट ऑफ इसलिए नहीं करी हूं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के दो सीजन बैक टू बैक प्ले ऑफ में लेकर गया है विथ रिस्पेक्ट टू द बोलिंग चेंजेस उन्होंने खुद भी आकर बाद में बोला है कि देर वर द लिली बिड ऑफ फॉल्स तो उस बारे में तो बात नहीं करेंगे आगे बिकॉज ही हैज़ हिमसेल्फ इट खुद की बैटिंग के बारे में उनकी अगर खुद की बैटिंग के बारे में बात करेंगे हाँ वो फ्रॉड तो किया कि पहले बोले मिडिल ओवर ओवर में आएंगे और उसके बाद खुद ओपन तो करने आ गए बट आई थिंक दैट्स अ गुड मूव मुझे लगा कि गुड सेंस प्रीवेल्ड अच्छा उनका शायद थाट प्रोसेस उन्होंने सोचा कि नहीं

आप जो फाइनली कोच है फ्लावर है ना exactly. कि निकाल दिया उसे नहीं, निकाल दिया निकाल दिया वो, वो, तो, वो, 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 आ गया यार ओ, और ये uh, कैटिच है कैटिच भी नहीं लैंगर है yeah. लैंगर तो, यार आई लव हिम तो नहीं I mean, I आई मीन आई थिंक वहां पे कोच की पॉइंट ऑफ व्यू आई होगी और आ,

ओए भाई साहब यार मुझे मेरे 7.5 ज्यादा लग रहे हैं अभी मैं चेंज कर सकता हूँ क्या चलो कर लो यार मैंने तो इतने एकदम ऐसे पॉइंट्स के एकदम शिखर से स्टार्ट किया था तो अभी मैच के भी शिखर से स्टार्ट किए थे हाँ शिखर हाँ। कराएंगे लेकिन तुम अगर चेंज करना है पॉइंट्स तो बता दो नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से राहुल इज एट अ 4 yours 7.5 <laughs> मतलब मतलब शांत राहुल को साढ़े सात रेटिंग दे रहा है पुराने रील जाकर देख लेना थोड़ा सा इसका मतलब हुआ था नहीं, नहीं। लेकिन पुराना रील जरूर देख लेना बट सेवन पॉइंट फाइव क्योंकि वर्ल्ड कप है राहुल तोड़ने वाला है <laughs> राहुल इस साल तोड़ने वाला है एनीवे लेट्स लेट्स मूव ऑन शिखर की बात किए थे शिखर okay. के बारे में बात करते हैं

पंजाब किंग्स मैच अरे वो तो यार वीके का मार्वल है वो तो डीके का मार्वल है कि आरसीबी वो मैच ले गई बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक हिज बोलर्स रियली रिस्पॉन्डेड वेल हरप्रीत ब्रार माय गॉड व्हाट अ स्पेल स्पेशली द दे वाज प्लेइंग इन चिन्ना स्वामी उस तरह का स्पेल करना आई थिंक माइंड ब्लोइंग ओवरऑल मैं शिखर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाता है फील्ड पे

तो मेरा थोड़ा रैंडम है मतलब जब भी कुछ होता है ठीक है लाइक फॉर एग्जांपल अपोजिशन टीम ने जब भी अगर सिक्स मारा है तो पता है ना इस जिस जिसको जिसके बॉलर को मारा है उसका कैप्टन को दिखाते हैं राइट तो जब भी कैप्टन को दिखाते हैं ना तभी तो शिखर कभी फ्रेम में अच्छा नहीं दिखता है यार तो फिर उसके मतलब कुछ ऐसा जोनड आउट होता है ऐसे ऐसे कुछ रहता है तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं देता है मुझे तो ये शायद गलती से वो जो दूसरा जो शिखर का एक रेप्लिका आ रहा है ना फील्ड में उनको देख के अरे वो तो वो तो काफ़ी एनर्जेटिक तो तो है क्या है हर हर बॉल पे ऐसा ऐसा कर रहा बट नहीं यार शिखर मतलब पता नहीं कैप्टनशीप में ऐसे एकदम शांत वो ज़्यादा ये नहीं है वो पहले के शिखर नहीं रहे ना जब भी मैक्सवेल को फॉकनर को चिड़ाने वाले वो शिखर नहीं रहे तो अभी इज लाइक पता नहीं उनके बोल सकते कि आखिरी फेज में आई आई थिंक थिंक सो इट्स मच द आखिरी फेज या सो फिर उसके हिसाब से पता नहीं मतलब ऐसा लगता है कि यार अभी सब इतना कुछ अचीव कर लिया ना आई एम जस्ट प्लेइंग टू विन लाइक प्रिट इज के वो स्माइल के लिए वो खेल रहा है ऐसा लग रहा है It और कैप्टनसी is... भी देखा जाए तो मतलब ओके लाइक ठीक है कुछ ऐसा ये नहीं किया लाइक like, लास्ट ईयर कैसे एक एकदम ब्रेकिंग न्यूज की थी लास्ट ओवर स्पिनर को दिया था और मैच कैसे रोसो रूसो ने तोड़ दिया था अभी रूसो इनके टीम में है बट जगह नहीं है खिलाने को उसको तो, बट आई थिंक शिकर ने ओके ही करा है रेटिंग बता दो रेटिंग आप बताओ पहले अच्छा यार वो शिखर है गब्बर है उसको yeah. कम रेट कर ही नहीं सकते hmm. और आप हमें क्रिकेट रोमांटिक्स बोल लो पुराने अभी पुराने टाइम में रहने वाले बोल दो हम ये सारे प्लेयर्स कुछ भी कर ले, हमारे लिए तो ये हीरोज ही है तो अभी इस गब्बर ने जिसको एडवाइस दी थी गाड़ी थोड़ा धीरे चलाया <laughs> उसकी बात करते हैं पंथ की बात करते हैं पंथ का एकदम वेलकम सीजन एक साल के बाद आया कैसे लग रहा है लाइक आई थिंक वो जो एक मोमेंट था जब पंथ आया टॉस हुँ. करने आई थिंक सच या आई मीन वेरी वेरी इमोशनल वो खुद भी बहुत इमोशनल थे हाँ. सब लोग इमोशनल हो गए आई थिंक बड़ा yeah. uh, kind of उस तरह का एक्सीडेंट होने के बाद इतनी मेहनत करी इतनी जल्दी नहीं तो कोई वापस आता नहीं करके आए दैट इट सेल्फ डिजर्व अड कुडोज कमिंग बैक एज हम लोगों ने पहले सोचा था इम्पैक्ट पेयर आएगा शायद मैक्सिमम कुछ मैचेस खेलेगा बैटिंग कर रहा है कैप्टनसी कर रहा है टीम का आई थिंक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ

तो बट मैंने ना पंत को कैप्टनसी के पॉइंट्स कम ही दिए बिकॉज आई फील ये दिल्ली एक ऐसा टीम है ना जो कैप्टन कवर कैप्टन का कंट्रोल उस पर काफ़ी कम लगता है मुझे मुझे पूरा पॉन्टिंग का कंट्रोल दिखता है इस पर आई डोंट नो आई क्या सीन है क्योंकि यार कुछ ऐसे हार्श कॉल्स हैं ना वो एकदम ऑजी माइंड सेट वाले लगते हैं मुझे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैच में भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने पोरेल को भेजा बट ऑब्वियसली उसने अच्छे खासे रन मारे लाइक हर्षल पटेल को तोड़ दिया बट स्टिल एक बॉलर शॉट हो गया और ऊपर से ईशांत शर्मा की भी इंजरी हो गई तो फिर एक बॉलर शॉट से वो खेल रहे थे तो पता नहीं उनको सिर्फ एक कॉल पर मुझे अच्छा लगा है कि उन्होंने शॉक को बिठाया बाहर वो एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है मुझे बट अगर देखा जाए तो लाइक कैप्टनसी तो यार मतलब अभी तो स्टार्टिंग फेज ही है इसलिए मैंने इसे दिया है अगेन अ सेवन What about you? मैंने थोड़ा सा कम दिया है आई है फैक्ट के अभी तक उतना उभर के आए नहीं है फैक्ट दैट ही कम बैक अभी तक पंथ के कैप्टनसी में हमें कुछ दिखी नहीं है बट आई एम श्योर नोइंग पंथ ही कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांग और uh, यार ये जो पॉइंट तुमने किया ना अभी कि इन टर्म्स ऑफ द कोचेज कमिंग इन टू प्ले ये थोड़ा फुटबॉल जैसे शायद होता जा रहा है स्पेशली फ्रेंचाइजी क्रिकेट उसकी बात करते हैं जो मेन दिमाग में उसकी बात करते हैं exactly. बट अभी जरा जिसने हार्टब्रेक दिए 19th नवंबर को उसकी जरा बात करें अरे यार मतलब उसके बारे में तो क्या ही बात करोगे इतना सारा पैसा ले गए और उसके पॉइंट से अभी हम क्या ही बात करेंगे लेकिन आ, क्या लग रहा है मतलब इन टर्म्स ऑफ हैदराबाद ई थिंक mm -hmm. mm -hmm. uh, उसने अब तक ना एकदम फेबुलस जॉब किया है ठीक है एज अ कैप्टन लाइक उसकी टीम एकदम लाइक like, ट्रेवी सेड को बाहर बिठाना पता नहीं वो क्या पब्लिक स्टंट है कि क्या है बट आई जस्ट होप कि मारक्रम अच्छा करें क्योंकि डेफिनेटली uh, वो चाहेंगे कि यार काव्य का दिल फिर से ना दुखाए बट स्टिल कमिंस के कैप्टन से एकदम मुझे फ्लुएंट लगी ऐसा लगा कि बिल्कुल भी ऐसा वाइब नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही कैप्टन कर रहा है लाइक मारकंडे के कैच के बाद भी वो उससे जाके मिलना सब प्लेयर्स के साथ में नटराजन को भी, भी बाउंड्री मिली थी सो गुड बॉलिंग वगैरह करना एक कमिंस एकदम ऐसा मतलब हिंदी में बोलते हैं ना कमिंस ना हंसमुख है और क्यों नहीं होगा यार पूरा उसका कैबिनेट भर चुका है सो डोंट बी सरप्राइज अगर कमिंस फिर से आईपीएल की ट्रॉफी भी ले लेगा क्योंकि मेरे टॉप फोर में तो एस है इसलिए मुझ मुझे, मुझे कमिंस की कैप्टनसी अच्छी लगी और इसलिए मैंने उसे रेट भी हाई दिया है मैंने उसे नाइन दी है वॉट अबाउट यू यार मैंने कमिंस को बिल्कुल ही ज़्यादा रेट नहीं किया है आई हैव एक्चुअली रेटेड कमिंस अ फाइव द रीजन बींग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है वी वुड हैव एक्सपेक्टेड अटर प्रोएक्टिव अप्रोच इज कमिंग इन टू द फर्स्ट गेम येस मुझे टीम सिलेक्शन ठीक ठाक लगी ट्रेवी सेट को कहाँ ही खिलाते वॉज माई पॉइंट एनी वे बट द वे आई मीन द काइंड ऑफ पर्स दैट ही वॉज कैरिंग और द वे ही लीगड रन कुछ बोलिंग चेंजेस भी अनफेवरेबल थे

एनी वेज तो अयर दो साल बाद आ रहे हैं भाई दो साल बाद दो साल नहीं खेला आईपीएल तो उसके लिए भी ऐसा लाइक नई टीम ज्वाइनिंग ही लग रही है मुझे भी बट जीजी के, आने के बाद आई डों वेरी कॉन्फिडेंट ला अयर का हमें ऐसे कभी कॉन्फिडेंस का इशू लगा ही नहीं था और कैप्टनशिप में भी उसने इम्प्रेस किया था दिल्ली से इम्प्रेस किया है so, सो यार अयर ने अब तक मतलब लाइक नॉट 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 टू गुड नॉट टू बैड वॉट डू थिंक यार मैं तो दस में दस पॉइंट दूंगी अयर को सीरियसलीस ऑफकोर्स नॉट नॉट बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ एनी रीजन बट

इतने दिनों तक तो वो सब चीजों में मुझे यार बहुत अच्छे लग रहा है mm -hmm. ऐसे भी अच्छे लगते हैं लेकिन इसमें बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर से ये भी हो गया था कि उस दिन इन द मैच इन बिटवीन एस एंड के लास्ट ओवर में पेनाल्टीमेट ओवर में स्टार कितना मार खाया उसके बाद टू हैंड ओवर द बॉल टू हर्षित राणा रिक्वायर्ड लॉर्ड ऑफ ब्रेवरी सेकेंडली हर्षित राणा ने भी पहले बॉल में छक्का खाया उसके बाद आकर आई वेन आई आर एक्चुअली केम एन एंड टॉक टॉक टू हिम काइंड ऑफ काम डिम डाउन आई थिंक दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑल्सो हर्षित राणा ने उन्होंने बाद में यह भी बोला है कि हर्षित राणा को आई जस्ट टोल्ड हिम आई लुक टेट हिम इन द एंड सेड हिम के ये तेरा फेज है ये तू कर लेगा आई हाँ. थिंक वो एक कैप्टन आकर जब एक इतने यंगस्टर को बोलता है और इतना हर्षित इतना अप था हमने देखा है फ्लाइंग के दे रहा था <laughs> तो वहां पे एक इतना एक्साइटेड प्लेयर को काम करना उसका इमोशनल बैलेंस रखना और फिर आगे जाकर वो मैच को डिलीवर करना आई थिंक दैट डिजर्व लॉट ऑफ लॉर्ड ऑफ क्डोज फॉर आयर ऑफकोर्स क्लोज मैच जीत गए आई हैव रेटेड आईर ऑनिस्टली दस नहीं बट आई हैव रेटेड अ गुड एट आई थिंक केज ए गुड चांस दिसर मैंने आई आर को एट ही किया था बट मैंने उसका जीरो पॉइंट फाइव निकाल दिया उसका एक ही रीजन था की बैटिंग ऑर्डर आय रियली डोंट लाइक आप सुनील नरीन को ऊपर भेज रहे हो उसका कुछ मुझे लगता नहीं कुछ ज़रूरत है क्योंकि उसके वजह से ओब्वियसली उन्होंने फिर से ये ट्राई किया था पहले जी के टाइम भी ट्राई किया था उसके वजह से पूरी बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रही है एंड आई एम रियली नॉट इन फेवर कि यार आपके पास इतने सब अभी सॉल्ट आया ठीक है सॉल्ट के बाद भी आपके पास इतने सारे बैट्समैन हैं वेंकटेश अय्यर है वॉज अ रियली गुड ओपनर वेंकटेश अय्यर ने अपना जो ब्रेक थ्रू सीजन किया था वो ओपन करके किया था तो वो एक डिसीजन है ना अगर नरीन अच्छा खेल रहा है ना तो वो नीचे आ सकता है रसिल के तो वो एक उससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं हूँ क्योंकि उससे पूरा बैटिंग ऑर्डर ही शिफ्ट हो जाता है और भले ही वो अच्छे रनस करे बट आपको रिस्पेक्ट देनी है आपके मेन कोर बैट्समैन के जो एज अ बैटर खेल रहे हैं तो उनका पोजिशन आप आई रियली डोंट फील कि आप वो हटाओ क्योंकि जब भी जी जी के के आर के लिए खेल रहा था तभी तो जी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ जी जी वॉज कमिंग एट थ्री उतप्पा और नरीन खेल रहे थे भले उनको अच्छा किया बट जी जी ने कुछ रन नहीं मारे सो आई रिली राणा वगैरह आउट ऑफ पोजिशन चले जाते आई कैन गारंटी पेपर पे लिखवा लो आयर का डिसीजन होगा ही नहीं आय से वो जी जी का ड्रेट्रो फील देने का पूरे पूरे को, कोलकाता के फैंस को दैट इज द इंटेंट और इसी वजह से नारायण ऊपर आया आ, उसका बट एज अ कैप्टन पॉइंट्स हो जाएंगे या, 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 eight, seven point five eight, की करी, yes. Let's talk about Samson. Samson. हमेशा की तरह, तरह, हर साल की तरह, इस साल इस भी उसने स्टार्ट किया अपने सीजन का। ना ना वो पता नहीं या गाड़ी ना सीजन क्या हो जाती है, पूरी बिखर जाती है तो फिर हमेशा वो स्टेटमेंट सीजन हो सकता है बट कैप्टनसी में लास्ट ईयर हमने देखा था हम पॉडकास्ट कर रहे थे एंड आई रिमेंबर दिस कि हमने फर्स्ट हाफ में काफी अच्छी तारीफ की थी

शर्मा को लास्ट ओवर में क्रिटिकल टाइम पे लेकर आ गया है एंड देन दैट वन दिम द गेम दैट वाज दैट वाज अ वेरी की पार्ट फॉर मी सो ओवर एंड निभाव मुझे संजू सैमसन का कैप्टनसी पिछले साल पिछले साल एट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वॉज क्रिटिसाइज अ लॉट वहां से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ संजू सैमसन कैप्टेंसी और क्यों ना हो भाई इतने दिनों से खेल रहे हो अभी भी अगर कैप्टनसी अच्छे से नहीं करोगे तो कब करोगे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कितना भी है साढ़े सात अरे अच्छा दिया बोल रहे मैंने बुरा बोल के मैंने मैंने को <laughs> <laughs> को बुरा बोल मैं हूं। तो मैं टीचर तो तो कम मार्क्स देती बच्चों जरा अपने बच्चे की बात करते हैं है? करते? करते है। 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 आप मुझे पहले मैच के बाद पूछते बिकॉज मुझे काफी सारे थिंक हीस कैप्टनसीचुअलीस्टेड आर सी दैट मैच मैच फर्स्ट मैच दैट बट दो आई आई ऑल्सो नो आर सी बी उस दिन कुछ भी कर लेती आर सी बी जीत नहीं सकती थी दैट इज़ फॉर 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 श्यो बट फैफ़ की कैप्टनसी उस दिन बहुत क्लूलेस लगी थी हमको ही He... It just seemed RCB was just not prepared for anything. Like, neither was CSK ki batting ko rokne ke liye prepared, tha, neither bowling ko rokne ke liye prepared. When you didn't see anything, then you didn't uska koi game plan. Tha. Cameron Green did Me see anything when you knew Rajat Patidar was anyway not, not, not working out well till now till then. So, all of those things were a lot of questions. Like, there were a lot of question marks around that. So, yeah, I would have given FAF a very, very low score. But in this particular case, after the second match, of course, there were.

cracked a little bit of code of how they can crack Chinnaswamy so from that point of view I have given Faf a six नहीं six point five पहले देती थी लेकिन नहीं I'll give him a seven maybe मैंने मैंने दिया eight point five yeah that's Faf, a lot yeah eight point five दिया है। the only reason is कि uh, Fav जब भी captaincy कैप्टनशिप करता है ना तभी वो एकदम इन्विजिबल होती है मतलब सब स्मूथली फ्लो होता है ऑब्वियसली अब स्टार्टिंग में मिस्टेक्स के बाद ही समझेंगे तो टीम में भी उन्होंने चेंज किया इमिडिएटली करण शर्मा को बाहर किया ठीक है तो फिर वो सब चेंजेस से बट मुझे फाफ की कैप्टनशिप ना एकदम ऐसे कंट्रोल्ड लगती है पता नहीं और ऐसा लगता है कि उसका कमांड है उस टीम के ऊपर और डेफिनेटली ऐसा ऐसे प्री मेडिटेटेड नहीं होते उसके डिसीजन वो मैच के कंडीशंस के हिसाब से ही चेंजेस सो so, उसके हिसाब से आई थिंक कि फाइव का ना एट पॉइंट फाइव तो बनता है क्योंकि मेरे लिए अगर कोई चीज़ अच्छे से कोई कर रहा है ना तो फिर वो नोटिस नहीं होनी चाहिए कि ओके ही इज़ कैप्टेनिंग एंड ऑल ऐसा वैसा और एक्सपीरियंस है तो यार डेफिनेटली बट यू नोलो वट आई वट आई आई लव आई लव अबाउट आर सी फैक्ट दैट द वे दे डू दिस यू नो दिस

यही लोग बोल रहे थे कि आपके कैप्टनशिप के वजह से मैच गया है, ठीक है तो फिर सबसे पहले आप बताओ वॉट ड्यू थिंक कैसे था आपके लिए हार

that's mean अरे that's so mean क्या मैंने क्या बोला वो ऐसे क्राउड में भाग रहा था तो एक सेकंड क्या आपको क्या लगा तुम किसके बारे में बात कर रहे हो हार्दिक पांडे <laughs> shut up i know what you're saying एक सेकंड एनीवेस देखो i love dogs सबकी सोच में होता है मैं तो i love dogs ओके okay? <laughs> आप कितने बुरे हो यार क्या सोचते हो यार ये बोल ना मैंने तो ऐसे कुछ बोला भी नहीं मैंने हार्दिक की बात की थी शिट शोमी। कैसा, कैसा कैसा दल बदलू कैसा बात पलटू है मतलब ये कार्ड देना एडिट कर देना प्लीज कुछ नहीं कटेगा कुछ नहीं एडिटेट, कटेगा एडिटेट, एडिटेट, भाई करियर बनानी है मेरे को अपनी <laughs> लेकिन जो भी है बट या आई थिंक हार्दिक पांड्या को लेकर इन टर्म्स ऑफ इज कैप्टेंसी आई थिंक एक आध डिसीजन थोड़े से वियर्ड लगे फॉर एग्जाम्पल खुद का बॉलिंग करने को आना बट हाँ आई मीन इफ यू इफ द वे पीपल आर सेइंग कि हाँ बुमराह को बॉलिंग करने को लाना चाहिए था फर्स्ट mm ओवर -hmm. में दैट माइट नॉट बी द केस बहुत mm -hmm. सारे और ओवरसीज बोलर्स थे बुरा के पास अनफॉर्चुनेटली यू वी ऑल वॉन्ट बुमरा टू बोल दो ट्वेंटी ओवर्स बट बुमरा के पास चार ही ओवर्स है तो ही हैज़ टू बी वेरी यू नो डिसाइसिव अबाउट इट के कहाँ पे करेगा बुमरा बोलिंग दो ओवर डेथ के लिए रखना ही पड़ेगा पावर प्ले में एक ही ओवर मिलेगा वो कहां पे करेगा, भी नहीं है जबकि आपको खुद भी पता है कि इसके बाद इंडिया का वर्ल्ड कप है और आपका yeah. कमर का प्रॉब्लम है तो थोड़ा वो सब संभाल करना चाहिए दैट पीपल वर टॉकिंग अबाउट इज अबाउट टिम डेविड कमिंग अहेड ऑफ पांड्या एंड मे बी पीपल वर कि नहीं वो सोच रहा था टिम डेविड आकर मेजोरिटी ऑफ द रन मार देगा उसके बाद आउट हो जाएगा और मैं फिर आऊंगा और मैं वो ग्लोरी 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 शॉर्ट मारकर जिता दूंगा बट ऐसा नहीं है टिम डेविड वॉज सेंड बिकॉज ही वॉज अ फिनिशर ही इज अ फिनिशर सो आई थिंक दैट इज नॉट अ रॉन्ग कॉल बट ओवर एंड अबाव मैं पांड्या को थोड़ा सा आई विल आई विल कीप इट अ लिटिल ईजी फॉर पांड्या बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के बहुत ज्यादा प्रेशर में आया है यार वो mm. ऐसा नहीं है कि हम हम बाहर से क्रिटिसाइज कर रहे हैं ही इज आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बींग तो अभी आते हैं पांड्या पे तो सबसे पहला बात कि ठीक है आप फर्स्ट ओवर डाल रहे हो ठीक है वो अभी वो चाहे वो प्रूव करना रहेगा उसे कि आई एम फिट एंड ऑल ठीक है आप फर्स्ट ओवर डालो बट थर्ड ओवर में जब भी हमने बॉल उसके हाथ में देखी ना वी लॉस्ट इट आपने बुमराह को इंट्रोड्यूस नहीं किया और आप खुद थर्ड ओवर डाल रहे हो जबकि टीम में लू कूड भी और कोट से भी ऐसा नहीं है किसी बीच में और डेथ ओवर करता है वो स्टार्टिंग के भी बॉलिंग डालते हैं उसमें मूवमेंट है ठीक है आपने थर्ड ओवर ले ली ये होते हुए भी कि फर्स्ट ओवर में मार है ठीक है सहा को कॉन्फिडेंस देने के हो आप जिम्मेदार हो तो आपने दोनों ओर में बाईस रन कुछ दे दिए तो और वही रन लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे उन्नीस तो फिर वो रन महंगे पड़े और, और इवन आई अग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट कि टीम डेविड को भेजना वॉज नॉट अ बैड कॉल ऐस अ डेविड अगर रन मारता तो कोई ये नहीं बोलता कि डेविड को भेजना चाहिए वो तो मैं सरप्राइज हुआ कि हार्दिक पांड्या मैं तो उसे वन डाउन के बाद ही भाई देखा वो पैडअप करके बैठा है भाई तो मुझे तो लगा था कभी भी आ रहा हीरो बट वो आया नहीं तो ठीक ही है अगर मारता बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि रशीद खान के सामने हार्दिक ने ज़्यादा बैटिंग करी है या yeah. उनकी स्ट्रैटी मुझे बिल्कुल समझी नहीं जो पता नहीं ऐसे लग रहा था कि आ, उनके टीम में से ही आया कि एक बार ऐसा इंस्टेंस हुआ था कि डीप में बॉल मारा था तिलक ने और तिलक ने रन नहीं लिया था डीप में जाके भी तिलक ने रन नहीं लिया था रशिद के ओवर में तो वो अगर आपको डेविड को बॉल्स खिलाना ही नहीं है तो पांड्या ने खेलना चाहिए था yeah. ओके अब छः ओवर में उन्नीस पे उन्नीस रन चेस करते हैं आउट होने के बाद कुछ तो उसने एक्शन किया आई एम नॉट श्योर कि कॉमेंडेटर ने भी बोला कि लाइक क्या करना चाहते थे वो समझने ऐसे कुछ तो ही ट्राइड टू डू जाते जाते बट हार्दिक काफ़ी पिस ऑफ थे बट हार्दिक का ना कलर चेंजिंग गेम मैंने देख लिया है हार्दिक आफ्टर द मैच इतने गुस्से में थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदा एकदम चिड़ले हाँ होता है मैं बैक करूंगा मेरे प्लेयर्स को एकदम फर्जी फिर जाके अगेन अगेन वो फर्जी हक किया रोहित शर्मा को बट उसे पता नहीं कि रोहित शर्मा ऐसे सब कैमरा के लिए नहीं करता रोहित शर्मा ने उसे तभी का तभी ये कर दिया वो कर दिया बट अगर हार्दिक पांड्या के पूरे दिन को अगर उसे मुझे से रेटिंग देनी हो तो मैंने उसे दिए है सिक्स और डीप में रोहित शर्मा को क्यों भेजा इसने हाँ मतलब पूरी गार्डियन घुमा दिया हाँ पूरा गार्डन घुमा गार्डियन ठीक है डीप में कर रहा हाँ, है ना ठीक है बट ये भूल रहा है <laughs> थोड़े दिनों में वर्ल्ड कप आएगा तो so बेसिकली हाँ, टीम्स का कैप्टन रोहित शर्मा क्योंकि इसमें से इंडियन स्कॉड सिलेक्ट होने वाला है एक्जैक्टली और गिल ने आकर कहा है कि मैं अपना कैप्टनसी रोहित भाई को देखकर सीखूंगा देख कर सीखूंगा जबकिंग हार्दिक पांड्या बट और एक खबर आई थी कि सीएसके के सेकंड मैच के बाद शिवम दुबे को हार्दिक का कॉल आया था कि भाई तू अच्छा क्यों कर रहा है मुझे खेलना है वो ए, एक ऐसी टीम होती है ना कि एकदम स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और एकदम वीक भी नहीं है वैसी वाइब दे रही है बट अगर इंडियन साइड देखी जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो करंटली इंडिया के लिए खेल रहे है। ऐसे प्लेयर्स काफ़ी कम है शमी भी नहीं है तो मोहित शर्मा भी नहीं खेलते और ना ही उमेश यादव खेलते अभी इंडिया के लिए तो फिर गिल के पास लाइक एक ब्लेसिंग है नेहरा की ठीक है गिल के पास एक ब्लेसिंग है इन द फॉर्म ऑफ केन विलियमसन की भले वो इन खेले या ना खेले बट गिल की कैप्टनशिप में मैंने कैप्टन गिल को देखा एक एक झलक दिखी उसमें कि ये कैसे फ्यूचर का कैप्टन बन सकता है और अब तक वो काफ़ी मच्योर लगा मुझे ठीक है भले वो बैटिंग के बाद आउट हो रहा ना तो ये पहले से लगता था कि यार मैंने रन क्यों नहीं किए अभी आउट होने के बाद ऐसे लगा कि यार टीम को मेरी ज़रूरत थी मैंने रन क्यों नहीं कर लिया yeah, yeah. तो दैट्स दैट्स द होल डिफरेंस मुझे लगा बट आ, अगर रेटिंग देनी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हमारे मराठी में कहते हैं कि मुला छपाए पालना दिस्त मतलब बचपन में समझ जाता है कि वो स्टार होने वाला है ऐसा कुछ तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ गिल के कैप्टनशिप से इसलिए मैंने उसे रेट किया है एकदम प्रॉपर

दो आई थिंक ये सारी जो जो बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरीज आती है आई पी एल की तो उससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है एंड इट्स इज जस्ट सो 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 हार्टी टू सी साम्बडी एज यंग एज गिल टू डू दिस ओवर एंड अबाव जो फील्ड प्लेसमेंट थे वो काफ़ी ऑन पॉइंट थे बोलिंग चेंजेस काफी ऑन पॉइंट yeah. थे ही वॉज असर्टिटिव नॉट अग्रेसिव एंड दैट स्पॉट वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव वो जिस तरह से राशिद से बात कर रहे थे सीनियरिटी दिखा मतलब सीनियर को रिस्पेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग देर ओपिनियंस एक्सेट्रा रिद्धि के साथ जो बातें उसकी होती mm -hmm. रहती है ड्यूरिंग देयर पार्टनरशिप आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड लुक्स वेरी प्रोमिसिंग इन टर्म्स ऑफ गिल कितना तो चलो अभी फ़ाइनल कैप्टन की बात करते हैं जो है सी का न्यू कैप्टन जिसे हैंड ओवर किए है से ठीक है रिप्लेस नहीं करा है तो वो है ऋतुराज गायकवाड़ तो मैं हमें हमने ये पहले डिस्कस किया था कि सी का सक्सेसर ऋतुराज हो सकता है और वो हुआ सिर्फ इतने जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था बट जब भी देखा है तभी तो ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी अच्छा लगे मुझे इट्स बी वेरी ऑनेस्ट लाइक मुझे दो लोगों ने इम्प्रेस किया वो गिल और ऋतुराज गायकवाड़ अभी इट्स टू अर्ली टू से बट ऋतुराज गायकवाड़ ने वो धोनी की छत्र छाया में ना एकदम लाइक मतलब मतलब मैं सोच रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ क्या सोचता होगा कैप्टनशिप करते हुए मैं कुछ भी डिसीजन ले सकता हूँ क्योंकि एक पीछे मेरे लिए एक बैकअप है लाइक एक मेरी सपोर्ट एनर्जी है लाइक कोई तो है हु इज लुकिंग आफ्टर मी और वो डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो एमएस धोनी अगर आपके स्टम के पीछे कीपिंग कर रहे हैं ना तो आप क्या ही गलती करोगे यार प्लेयर्स गलती कर रहे हैं रिव्यू के लिए धोनी को पूछ रहे हैं धोनी बोल रहा है अरे नहीं उससे पूछ बट ऋतुराज के लिए ये मुझे लगता है उसके करियर का एकदम डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है वो डेफिनेटली महाराष्ट्र के भी कैप्टन है बट धोनी के अंडर अगर वो कैप्टनशिप कर रहे हैं ना तो यार आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम इसलिए मैंने उसे सबसे ज़्यादा दिए हैं अब तक के माई रेटिंग फॉर हिम इज़ नाइन Absolutely agree with you uh, with respect to the rating. He should be de he deserves uh, a good rating from all of us. Uh, the reason being yeah, uh, that the kind of things that we saw in him.

whether i know i mean not in terms of the cricketing uh, things in terms of the good decisions but probably the kind of tradition the kind of uh, you know the vibe the csk camp gives those things are being reflected for example jab Tushar deshpande utna zada runs khane ke baad bhi he was again handed over the ball those are the kind of things really he has learned from dhoni and uh, those are looking very very beautiful on the field dhoni taraf dekh hai, but at the same time he is taking his own yeah. calls and there cannot they, they, this couldn't have been any better because you know धोनी अगर बाहर बैठ मतलब तो, अगर मान लो कि अगले सीजन में धोनी नहीं खेलता एंड दैट इज व्हेन वुड हैव बीन द कैप्टन धोनी बाहर बे, बाहर बैठ के कितना ही कर लेता अब राइट नाउ ही हैज अ ऑन फील्ड गाइडेंस ही हैजैट रीली दैट कॉन्फिडेंस के धोनी है बट एट द सेम टाइम ही हैज बिन गिवन दैट फ्री हैंड कि चलो तुम करो करके देखो सीखो एंड uh, यार दो मैचेज इतने इतने स्ट्रांग तरह से सी एस के जीती है तो आई थिंक है आई हैव गवन मन नाइन पॉइंट मैं तो दस देने वाली थी लेकिन सोचा कि नहीं बच्चा है तो थोड़ा सा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रखते yeah, हैं तो ओके okay, तो ये थे हमारे सारे कैप्टन और ये अब तक की रेटिंग यार माइंड यू ये ऐसी फर्स्ट हाफ की रेटिंग है ये एकदम सिग्निफिकेंटली चेंज भी हो सकती है वाई नॉट बट आप आपकी रेटिंग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि यार पॉडकास्ट कैसे लगा यार अब क्रिकफेन तो काफ़ी हिट हो रहा है पॉपुलर तो हो ही रहा है बट हमारे पॉडकास्ट में भी हम सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं सो प्लीज़ लेटस्ट नो कि ये रेटिंग्स कैसे लगी और आपकी रेटिंग के लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड है हम साथ में देखेंगे और उसे कमेंट भी करेंगे सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड यार एक धमाकेदार सीजन अगेन स्टार्ट हो चुका है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक मिलते हैं सी यू